पॉपुलर टीवी सीरियल नागिन 6 के टेलीकास्ट होने के बाद से ही फैंस सीरियल्स को देखने को उत्सुक रहते हैं। लेकिन अब एपिसोड में ऋषभ ने भले ही प्रथा की नौकरी को बचा लिया है, लेकिन उसके पीछे उसका एक मकसद है। दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि नागिन पहले असुर को खत्म कर देती हैं, लेकिन उसे और भी असुरों के बारे में पता चल जाता है। वेल, पूरे एपिसोड की अपडेट हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। दरअसल परलय से देश को बचाने के लिए प्रोफेसर और नागिन साथ हो जाती हैं। जब प्रथा कमरे में एंट्री करती हैं, तो देखती हैं कि नागिन उसके मैनेजर असुर को मार रही होती हैं, जिसके बाद असुर खिड़की से भागकर जंगल में चला जाता है, लेकिन नागिन वहां भी उसको आकर मार देती है। जिसके बाद नागिन प्रोफेसर के पास पहुंचती हैं और बताती हैं कि उन्होंने एक असुर का विनाश कर दिया है, लेकिन प्रोफेसर उसे बताती हैं कि पहले जब नागिन बदला लेती थी तो उसकी आंखों में वो चेहरा नजर आता था, लेकिन अब जब नागिन इन असुरों से बदला लिया है तो उनका चेहरा इस पेंटिंग में नजर नहीं आ रहा है। जिसके बाद मैनेजर बताती हैं कि इसका मतलब साफ है कि तुमने गलत इंसान को मार दिया है, वो इंसान असुर नहीं था। लेकिन नागिन कहती हैं कि फिर उस फैमिली में कौन है जिसका पैर टूटा है। दूसरी तरफ ये देखने को मिलता है कि प्रथा अपने पापा को फोन करके बताती हैं कि उसके हाथ से उनकी नौकरी चली गई है। उसे लगता है कि आर्मी ऑफिसर कैप्टन ऋषभ गुजराल ने ही उनकी शिकायत की होगी, इसीलिए उनकी जॉब चली गई। वहीं ऋषभ अपने भाई रितेश से बात करते हैं और कहते हैं कि प्रथा ने हमारी जान बचाई है तो उसकी नौकरी बचनी चाहिए। हालांकि ऋषभ की ये साजिश होती है, क्योंकि उसे लगता है कि प्रथा के पास कोई राज जरूर है, इसीलिए वो उसकी नौकरी बचा लेते हैं। वहीं जब प्रथा अपनी कैब का वेट करती हैं, तो ऋषभ अचानक आकर बता देते हैं कि तुम्हारी नौकरी नहीं गई है, जिसके बाद प्रथा खुश हो जाती हैं और घर चली जाती हैं। वेल, अभी तक के एपिसोड में यही मिला देखने को, लेकिन आगे के एपिसोड की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।